हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे डायसूरिया के बारे में, लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या इलाज होता है, तो यही सब जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले जान लेते हैं डायसूरिया होता क्या है। दोस्तों, डायसूरिया को आम भाषा में पेनफुल यूरिनेशन बोलते हैं, यानी कि जब कोई व्यक्ति यूरिन पास आउट करने के लिए जाता है तब उसको दर्द होता है, जलन होती है और इसके साथ ही पेशाब रुक रुक कर होने लगती है। यूरिन कम मात्रा में होती है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है या फिर जो यूरेथ्रा होता है उसमें भारीपन महसूस होता है और उसमें सूजन आ जाती है। पेनफुल एंड बर्निंग मेंस्ट्रुएशन को ही डायसूरिया बोला जाता है। तो जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों में एक प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जब किसी व्यक्ति को मूत्र मार्ग का संक्रमण हो जाता है तो इसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी डायसूरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं यानी कि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, प्रॉपर फ्लूड इंटेक नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। जो लोग एल्कोहल लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। या फिर किसी का इलाज चल रहा है, लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी लोगों को डायसूरिया हो जाता है। इसके साथ ही यूरिन का जो पीएच होता है वो एसिडिक हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी लोगों को ये प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा जिन लोगों को किडनी स्टोन्स हो जाता है यानी कि गुर्दे में पथरी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। यूरिन रुक रुक कर होती है, दर्द होता है और जलन होती है। तो जान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या इलाज करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपको डॉक्टर को पूरी बात बतानी चाहिए। डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि पेल्विक एरिया का यूएसजी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, या फिर यूरिन टेस्ट भी करा सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग टेस्ट कराते हैं। इसके साथ ही पेशेंट को मेडिसिंस दी जाती हैं खाने के लिए, जैसे कि नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg की एक गोली सुबह शाम दी जाती है। दर्द को कम करने के लिए जीरोडॉल स्पॉस सुबह शाम खाने के लिए दी जाती है। इसके साथ ही एसीलाक 150 mg सुबह शाम देते हैं या फिर पेंटाफालिपेट सुबह खाने के लिए देते हैं। और सिरप देते हैं अल्कासॉल, इसमें डाई सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होता है। ये यूरिन के पीएच को अल्कलाइज करती है, जिससे कि बर्निंग मेक्चुरेशन में रिलीफ मिलता है। अगर कोई पेशेंट बुजुर्ग है तब उसको यूरिमैक्स 0.4 mg की ये गोली रात को सोने से पहले दी जाती है। ये ट्रीटमेंट लगातार 5 से 7 दिन तक दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। अगर इतना ट्रीटमेंट देने के बाद भी रिलीफ ना मिले तो पेशेंट को हायर सेंटर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिफर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा डायसूरिया क्या होता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए। अगर आप इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।